गाइस, अब मैं रिव्यू करने वाली हूँ एनिमल मूवी। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, नाम मुनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो जब से मैंने टिकट बुक की है, जब मतलब कल रात से ही मेरा वो था, यार 3.5 घंटे की मूवी, यार 3.5 घंटे की मूवी एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई स्लीप लेट। तो मैं हर एक मूवी जब मैं रिव्यू कर मतलब मैं देखने जाती हूँ तब से 2 घंटे की नींद हुई होती है, तो मैं एटलीस्ट एक बार तो यॉन कर देती हूँ मूवी के अंदर। तो इस मूवी में 3.5 घंटे आपको फील तक नहीं होगा। मैंने खुद एक बार भी यॉन नहीं किया थ्रू आउट द मूवी। जो स्टोरी लाइन पकड़ी है, क्या सीन से, आप एक सीन मिस आउट नहीं करना चाहोगे। ऑब्वियसली 3.5 घंटे की मूवी, मुझे लगा यार इंटरवल भी अभी लेट होगा, मेरे को भूख लगी, मैं कुछ बिना खाए निकली हूं तो मैं बीच में उठ के जाऊंगी, ऐसे मैंने दिमाग में सोचा था। बट मैं बीच में उठ के बिल्कुल नहीं गई, बिकॉज मेरे को एक भी सीन मिस नहीं करना था। ईच एंड एवरी सीन वॉज आउटस्टैंडिंग। और जैसे मैं इंटरवल में खुद गई थी पॉपकॉर्न लेने के लिए, तो वह अंकल मुझे बोल रहे कि मूवी कैसी है, तो मैंने बोला अब तक तो बहुत अच्छी है, तो बोलते डायरेक्टर ही इतना अच्छा है, मूवी तो मस्ती होगी। मतलब देखो सबको कितना एक्सपेक्टेशंस थे संदीप रेड्डी वांगा से, एंड उस एक्सपेक्टेशन पे वो खरे उतरे हैं। और उन्होंने जो निचोड़ा है रणबीर कपूर को, माय गॉड, आई गेस वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब रणबीर कपूर ने कोई एक ऐसी चीज नहीं छोड़ी होगी जिसमें आपको लगे यार ये नहीं करके या है नहीं। खतरनाक लेवल की एक्टिंग, अलग लेवल की एक्टिंग की रणबीर कपूर ने, हैट्स ऑफ, मजा आया। हम सब लोग को तो पता है इस मूवी में बहुत ज्यादा वॉयलेंस है, कुछ इस तरीके के वॉयलेंस भी है। अगर आप पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करोगे या कुछ ऐसे सीन्स, ऐसा लग रहा है इंसान काट रहा है या बकरी मां का, काच 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 काच, वॉयलेंस तो भर भर के। बट सिर्फ वॉयलेंस नहीं, आपको इसमें दिखेगा रोमांस तो है। ऑब्वियसली आपने कुछ सॉन्ग्स देखे होंगे ऑलरेडी एनिमल मूवी के, तो रोमांस भी है और पंचेस भी है। थिएटर हंस भी रहा है, ठीक है, पूरा थिएटर चीयर कर रहा है, चीक रहा है, ऐसे सीन्स भी है। बैकग्राउंड म्यूजिक, शॉट्स वगैरह सारी चीजें इस तरीके की है। फिर मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई सुन नहीं सकता, ये कुछ ऐसे कुछ लाइन्स है जिसमें अपने को मतलब कहां से कंट्रोल नहीं होती। प्यार है, प्यार मतलब लॉयल्टी जो वो ऐसे रश्मिका के लिए, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में सब कुछ आपको दिखाई देगा, तो वो है। या पापा के लिए जो प्यार है, पापा के लिए तो क्रेजीनेस है। मतलब इस तरीके से किसी ने दिखाया नहीं होगा पहले मूवीज में कि पापा के लिए कोई इंसान, कोई बेटा, सॉरी इंसान कहा, बेटा इस लेवल पे जाके चीजें कर सकता है, कुछ ह्यूज खतरनाक लेवल पे, माँ कसम। फिर अगर बात करूं बॉबी देओल की, बॉबी देओल इज म्यूट, बट उन्होंने जिस तरीके से एक्टिंग की है, उन्होंने मतलब हम लोगों को बॉबी देओल टीजर और ट्रेलर में ही ऐसे मतलब ऐसा लगा यार कम बैक हो तो ऐसा, ठीक है। और मूवी देखने के बाद आपको फिर फील हो जाएगा यार ये करके दिया, मस्त मजा आया। अनिल कपूर एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग। थोड़ा सा रश्मिका मंदाना का मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर टाइप्स का हो गया, बट एनीवेज रणबीर कपूर ने तो इतना फाइनेस्ट, मतलब फाइनेस्ट क्या मैं बोलूं, नहीं क्या इस तरीके की एक्टिंग की है कि क्या बोलना। इंटरवल सीन, हाय, इंटरवल सीन वाज लाइक धमाका, धूम धड़ाका। उसमें उपेंद्र लिमय सर जो मराठी एक्टर है उनकी भी एंट्री है, वो जिस तरीके से उनके एंट्री में और उसके बाद जो एक्शन सीन्स होते हैं उसमें बज रहा है मराठी गाना, डॉल्बी वाला बुलाव माजा डीजे, और रणबीर कपूर फुल गोली मार रहा है, वो बैकग्राउंड में बज रहा है, मराठी ऑडियंस फुल एंजॉय कर रहे, थिएटर में धमाके हो रहे, आईचा गावत लाइक इट राइट, ये वो जो मराठी डायलॉग्स आ रहे हैं लोगों ने एंजॉय किया, चांग भल, मतलब ऐसे वर्ड सुन के लोगों के अंदर क्रेज डाल दिया, मतलब एटलीस्ट मराठी ऑडियंस, बिकॉज मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ ना, मराठी ऑडियंस पागल हो गए। फिर जो इंटरवल सीन हुआ, माँ कसम, अभी आप सोचे कि इंटरवल सीन में ये ऐसा हो गया, अब क्या होगा आगे, नहीं क्या क्या हो सकता है करके, बट आगे भी बहुत सी चीजें हो रही है, बहुत क्लाइमैक्स सीन भी, मतलब कोई भी सीन आप मिस नहीं करना चाहोगे। और ईच एंड एवरी सीन इतने परफेक्शन के साथ पेश किया हमारे सामने, स्टोरी लाइन, डायलॉग्स, कन्वर्सेशन जो होते हैं, इंटरेक्शन एक दूसरे के बीच में, वो इंटरेक्शन में भी इतनी सारी चीजें आपको हंसा भी देगी, आपको सोच में डाल देगी, सब कुछ है। तो ईच एंड एवरी सीन परफेक्शन के साथ
पेश किया गया है हमारे सामने। बैकग्राउंड म्यूजिक की क्या बात करूं, ओ वाओ, आई एम स्टिल फीलिंग फ्रेश होके, मतलब मैं मूवी देख के आई है, जो भी मैं यूजुअली मेरे को नींद आती है फिर बाद में, बिकॉज मेरे रात में नींद नहीं हुई होती है, बट आई एम स्टिल फीलिंग फ्रेश बिकॉज क्या ही मूवी थी ये, खतरनाक। वॉयलेंस बहुत भर के है, बहुत ज्यादा भर के है। तो मैं इस मूवी को रेट करूंगी 9.5 out of 10, वो हाफ इसलिए बिकॉज ऑफ रश्मिका, बिकॉज ऐसे ऐसे चल रही है बस थ्रू आउट पूरे इसमें, गुस्से में नहीं क्या ऐसा लग रहा है, मतलब पता नहीं मुझे थोड़ा सा ओवर भी लगा कहीं कहीं पे, सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो फाइनेस्ट रणबीर कपूर, बॉबी देओल, सब लोगों ने खा लिया है, मजा आ गया। वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ रणबीर कपूर ऐसा लगने लगा मुझे ये, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी ना, मुझे नहीं लगता उनकी जगह किसी और ने इस मूवी में इस तरीके से काम किया होता, क्योंकि उन्होंने बेस्ट निचोड़ दिया अपने आप को, राइट। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आप रणबीर कपूर के फैन है तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। और भी मूवी रिव्यूज देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। बाकी परत मियाले चा, बाय।